नमस्कार आदाब, मैं हूं वसीम अकरम। इस वक्त हाजिर हूं आपके साथ देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। फतेहपुर के गाजीपुर थाने के गाजीपुर कस्बे में पावर हाउस के पास खेत में महिला का जला हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव इतनी बुरी तरह से जला हुआ था कि पहचानना मुश्किल हो रहा था। वहीं पुलिस ने स्थानियों की मदद से महिला की शिनाख्त की तो पता चला महिला का घर वारदात वाली जगह से कुछ ही दूरी पर है और उसके 3 बच्चे भी हैं। महिला का आदमी बाहर नौकरी करता है। महिला अपने घर पर 3 बच्चों के साथ रहती थी। वहीं परिजन महिला की हत्या का शक जता रहे हैं। वहीं हत्या की वजह पर कोई कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस की माने तो अभी तक की जांच में जो पता चला है कि महिला का उसके पड़ोस में रहने वाले 18 साल के लड़के के साथ संबंध थे और अक्सर दोनों मिलते जुलते भी रहते थे, जिसे लेकर लड़के के घर वाले हमेशा उलाहना भी दिया करते थे। और पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी, जो भी तथ्य सामने खुलकर आएंगे उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। क्या घटना हुई? घटना ये हुई कि उनको जला के मार दिया गया। पहले से मतलब किस तरह मरी है वो आइडिया नहीं, लेकिन जल के मरी है। हम जब आए हैं तो हमें खबर मिली है कि हम बहुआ में थे, हमें खबर मिली है कि चाची हमारी खत्म हो गई है। तो हम यहाँ गाजीपुर तक आए हैं, तो यहाँ आए हैं तो हमें फोन किया है बाबा को हमारे अपने, तो पता चला उनको पुलिस आई थी लेके थाना लेके, फिर वहां से फतेहपुर चली गए। फतेहपुर जाने के बाद वही थे, हम यही रुके हुए थे। हम यहाँ आए, यहाँ कोई मतलब कोई नहीं था कि कोई बता सके कि मतलब ऐसा लग रहा था कुछ हुआ ही नहीं ऐसा यहाँ गली किसी को गली में। मेरा नाम अनीशा है। आप इनकी कौन है? जो मेरी बहन है। क्या नाम था इनका? जनीशा नाम था। तो इनके साथ क्या हुआ है? इनके साथ हुआ लैट्रिन गई थी सर जी, किसी ने रास्ते में पकड़ के जी गला घोंट के मार दिया, फिर उसके बाद आग लगा दी है जी। और उनके घर वाले कहाँ हैं? उनके घर वाले बॉम्बे में हैं, 6 महीने पहले से रह रहे बॉम्बे में जी। ठीक। गाजीपुर क्षेत्र में कस्बा गाजीपुर में एक 30-35 वर्षीय महिला की जलने से मृत्यु हो गई है। इस संबंध में उसके पिता के द्वारा तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर आत्महत्या का 306 का अभियोग पंजीकृत हुआ है, जो 4 लोगों के विरुद्ध है। संज्ञान में ये बात आई अभी तक कि उस महिला का अपने पड़ोसी एक लड़के से जो 18-19 साल का था उससे संबंध था, और इस संबंध को लेकर के उस लड़के के घर वाले काफ़ी नाराज रहा करते थे और महिला को काफ़ी उलाहना और आरोपित किया करते थे, जिससे वो क्षुब्ध रहा करती थी। और यही तहरीर के आधार पर जो है अभी 306 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, पोस्टमार्टम के बाद मृत्यु का कारण स्पष्ट हो जाएगा, सारी विधिक कार्रवाई की जा रही है, कोई जानकारी समस्या नहीं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।